दैट टू क्या वजह है कि वो ओवरऑल T20s में उनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही हम वर्ल्ड कप्स में जाते हैं या किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो कैप्टेंसी के साथ साथ ना उनकी बैटिंग भी थोड़ी सी अप एंड डाउन जा रही होती है। आपके स्क्रीन पे ये स्टैट्स भी हैं, दैट डिप इन स्ट्राइक रेट स्पेशली, ये काफी कंसर्निंग होता है, क्या वजह है? देखिए आप बैट्समैन तो बैट्समैन के बारे में बता सकते हैं, आई थिंक फीस कैन एलैबोरेट दैट ऑन दिस वन, बिकॉज मुझे इतना बैटिंग के बारे में पता नहीं है, बट यू नो एज अ लेमैन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि बाबर का नंबर वन डाउन ही बनता है। अगर एक स्लॉट खाली छोड़ दिया जाता साइन के लिए, या शायद मेरा ख्याल था कि ज्यादती थी फखर के साथ, फखर एज ओपनर आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे सकता था, इसी विकेट के ऊपर वाई तो वाई चला के वो काम निकाल देता, ये वाइट वाले विकेट था। ऋषभ पंत क्या कर रहा था, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा कभी ये कर। बाबर का देखें ऑनेस्टली उसको बहुत सारी चीजें अब देखनी पड़ेंगी, बट द थिंग इज टुडे आज का मैच तो निकाले ना और अगला मैच निकाले, बिकॉज फ्यूचर लुक वेरी अनसर्टन। चेयरमैन साहब इज ही सीम्स टू बी अ वेरी नाइस गाय, बट ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट गाय एंड व्हेन ही कम्स टू टेकिंग डिसीजंस, so there is going to be a lot depend on Babar now, because he needs to understand one thing that whatever the requirement is uske mutabik karna padega, apni marzi nahi chalegi, either as a strike rate, either as a captaincy, either as a anything else, so waisa nahi chalega, because bahut zyada feeling hurt ho gayi hai, bahut zyada setback ho chuka hai, you know this is no कोई former PCB chairman जो आपको all out सारा इख्तियारात दे देगा और कोच भी आपसे डरेगा, इस दफा आइंदा ये होने वाला नहीं है। सो आई थिंक बाबर का असल पोटेंशियल मुझे लगता है नंबर चार पे निकलेगा, टेस्ट मैचेस में निकल सकता है, वनडे में वन डन पे निकल सकता है, या एक नंबर सेट है उनका वन डन ठीक है उस पर आ जाए। वंस ही मुझे लगता है कैप्टनसी बहुत ज्यादा एक प्रेशर वाला काम है, यूनुस ने की हुई है, यूनुस तो मतलब आधा दिमाग इसका खाली हो गया था, लिटरली लोगों को समझाने के लिए लाउड स्पीकर रखा हुआ था, आपको पता है मैं सही कह रहा हूँ। और ये सही कह रहे हैं शेख भाई, मेरे 2014 का वर्ल्ड कप में जब मैं कप्तान बन के गया यही प्रेशर मैंने फील किया था, कि मैं 2014 में बुरी तरीन परफॉर्मेंस दी और उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे स्किल कम हो गए थे, आई वॉज अंडर सो मच प्रेशर, क्योंकि मुझे कोई वो जो सराउंडिंग की सपोर्ट है ना मेरी मैनेजमेंट की वो नहीं मिल रही थी, तो आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ आई एम अ लोन पर्सन, और मेरे मुश्किल हालात में मेरे बुरे फेलियर में भी मेरे कोई नजर नहीं आ रहा। ये वही वर्ल्ड कप है जब आपके आपकी कप्तानी छोड़ दिया, उसके बाद आके मैंने कप्तानी छोड़ दी, आई बीन फोर्स टू डू मेनी अदर थिंग्स, आई सेड नहीं, मेरा ये ख्याल है यार कि मेरा अपना जाती राय है कि बाबर अपने करियर पे फोकस करे और परफॉर्मेंसेस पे फोकस करे, और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा कि यार ये मैच खत्म करके देना, तुमने ये मैच मुका के आना है, टेस्ट मैच मुका के आना है, ये दगड़े दस सोच तुम्हारे होंगे वो चेस में होंगे, वो तुम्हारे मैच में नहीं होंगे, वो मुकाबला वो चैलेंज उसने अपने आप को देना है, हमने नहीं यार, हम यहाँ थोड़ी बैठे हैं हम बच्चों को जाकर क्रिटिसाइज करेंगे यार, हम मैं इसलिए थोड़ी बैठा हूँ, हमारे छोटे बच्चों की तरह है यार ये, हमारे हमें देख के बड़े हुए हैं, तो मैं ही चाहता हूँ यार कि इस पर एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए, कैप्टनसी इज बिट टू मच फॉर अभी ऑनेस्ट विद यू, कितने वर्ल्ड कप कितने सेमीफाइनल अंडर हिज कैप्टनसी खेल चुके हैं, फोर्थ वर्ल्ड कप, क्या रिजल्ट, नो ट्रॉफी टू शो, बट यकीन करो नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर प्लेयर, they are not the half a talent what Pakistan used to have, no disrespect, I mean you won't find anybody like Wasim Akram anymore, no you can't find such plan, I'm sorry, Razak, Afridi, you know you can't find this, or Syed Anwar, you know they're lucky, they're born in India, though no disrespect to them, but the thing is, but you have to cater what is needs, you have to do what is required, aapki marzi se nahi hoga, ab ye अगर ये आप ऐसे चलाना चाहोगे बिकॉज आप पे बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, तो आई थिंक बाबर के अपने के लिए मैं उसको सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे भी एक सवाल है, पहले बात करो, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कप्तानी की भी है, यूनुस भाई ने की भी है, और आपने भी अपने कैरियर के किसी स्टेज पे कप्तानी जरूर की होगी, की भी है, आप कप्तान अपनी मर्जी से बनते हैं या पाकिस्तान लेवल पे आपको कौन बनाता है, यूनुस भाई आपको किसने बनाया, आपने खुद चाहा था कि मुझे कप्तान बना दे, बिल्कुल नहीं, अब वो आपको आपके बना मुझे कप्तान बनाया मेरे चेयरमैन ने, उस वक्त के जो चेयरमैन थे ही थॉट दैट आई एम अ राइट पर्सन टू लीड द टीम, और आपको भी कप्तान बनाया आपके चेयरमैन ने, तो ये वाला जो कप्तान बना है बाबर, ये वापस लाया गया, तो क्या ये चेयरमैन की मर्जी नहीं होगी, उसकी मर्जी होगी, आज अगर चीजें अच्छी नहीं चली तो दो महीने में कौन सी ऐसी गलती कर दी दोबारा बाबर ने कि बाबर को हटा दिया जाए, तो ये तरीका गलत है कि अगर क्रेडिट लिया जाए तो हम सबसे आगे हैं, तस्वीर के जमाने में ट्रॉफी के साथ या जीते हुए मोमेंट के साथ हम सबसे आगे हैं, लेकिन जहां पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है वहां पे कुर्बानी का बकरा आगे कर दें, मेरे साथ ये हुआ है, यूनुस भाई के साथ हुआ है,
तो ये दोबारा दोबारा कब कब होगा? तो जब आपने खुद एक फैसला लिया है तो आप उसके साथ खड़े ने, अगर कोई गलती हुई है तो आपसे गलती हुई है, उसमें उसने खुद कहा था कि मुझे कप्तान बनाए ऐसे हालात के अंदर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है ना, किसी एक पे तो नहीं राइट के वो कह सकता था जी मैं सिचुएशन में कप्तानी नहीं करना चाहता, लेकिन ये दोनों की विन विन सिचुएशन के ऊपर हुआ होगा ना, किसी को कोई जबरदस्ती तो नहीं कह दिया। तो मुझे ये लगता है कि इसमें जो रिस्पांसिबिलिटी है वो लेने का जो फैक्टर है, मैं उसकी बात करूं कि जिन्होंने बनाया वो भी जिम्मेदार हैं। चेयरमैन साहब ने तो गुडविल में कहा ना कि इज अ राइट मैन टू लीड, और वो भी चाहते हैं ना, और वो उसकी भी शर्तें यही थी कि भाई तीनों फॉर्मेट का बनना है, सिर्फ एक का नहीं, यही था ना, ऐसे ही था ना खबरें, तो यही था कि ही वाज इंक्लाइंड टू टेक ऑन कैप्टेंसी इन ऑल फॉर्मेट्स, बट ऑफकोर्स या तो मैं तीनों में बनाओ या ना बनाओ रीच। सो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आई हैव अ क्वेश्चन जी, व्हाट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम बैटिंग में, कौन सा फेज है आप बताएं? मिडिल ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, हु इज अवर बेस्ट प्लेयर्स? बाबर आजम एंड रिजवान। गो बैक व्हेन बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान स्टार्ट देयर करियर इन टेस्ट क्रिकेट, इन वन डे, इन T20, विच पोजिशन देवर प्लेड एट दैट टाइम? वन डाउन, टू डाउन, नो नो नो, इन डोमेस्टिक, इन डोमेस्टिक मोहम्मद रिजवान नंबर फाइव, बाबर आजम First one day he bat like number 4? 5 or number 6. I was playing at that time. So he started in the middle overs. Yeah. So what teams do in this situation? You fix that, no? Sometimes you struggle, you know, if you are top order struggle, then they request me, you know, when I was playing at number 6, Bob Woolmer came to me and said, brother, in Australia, you remember? Yeah, I remember that. Brother, you have a good technique. So play one down. Play one down. Are you because ready for you that? Have the ability to, yeah. And it's better for the team. So if you why not? My question is very simple. Okay. Why not Babar Azam or Rizwan? They come bad on number 5 or number 6. Why not? Yeah. Why if the? Yeah. Why Fakhar Azam? Or Fakhar Zaman? Why? You know, Fakhar Zaman can open the bat with Saim Ayub, then Usman, then Babar Azam, then Mohammad Rizwan, then Iftikhar. Look. All problems solved. It's a very interesting point you just make. So we actually have a stat. They start their career like a middle order batters. Yeah. Well, why not? I want to bring this to your attention as well. It's not pleasing them. It's pleasing the team problems. Yeah. So why not? It's so simple. Rizwan versus the top 9 teams in T20s. We've got a graphic here. It actually shows that only 3 of them he manages to score at a strike rate of over 130. So yes, he's consistent and he puts runs on the board. But if you're striking at only 130 above 3 of those teams that you can see on there, perhaps maybe a move to the middle order why would not? Serve people better. This is for team, not for myself. You know, I was start my career as a middle order batsman, and then suddenly a bat number 3 because team needs that skill from me, that performance from me. They know if I bat through that 5-6 hours, I make a big hundreds. Why Fakhar Azam came down number 4? Why? So because he start his career like an opener batter, so he you can just go in the right position. So that is the problem. So why not? Where would you like to bat Fakhar Zaman? Opener. He's been opening the batsman for last 6 years. Look, it's as simple as that. Marty will tell you as a batsman, these are the 3 batsmen sitting there. They know much about the batting. I'm just giving an opinion. It's much easier to score runs within the circle. Yeah. You can do 34 runs easy. But when you come in number four or one down, you tend to finish the game. And you have to take a lot of pressure on yourself and to finish the game. It's not an easy place to be in. So the safest spot. You know what it is? Yeah. As an opener. It's for your runs. I remember when in the first game, when Gupti said that maybe I just go to the one player, maybe Babar Azam or Mohammed Rizwan. Yes. One is out from my team. Why is that? Go on. Why is that? We are not against him. We are not against Babar. We are not against Rizwan. At all. Why did you say that? That was for the team. I just felt Saim Ayub and one of... Yeah. Babar or Rizwan should be opening the batting. I think Saim Ayub is a special player. He can actually create a strike rate, get things going. I think Babar and Rizwan are very much the same player. They rely on shot placement. They don't have the out-and-out power that some other players do, and then I had a pretty strong middle order. But on the Fakhar thing, I think he should be batting higher up. Yes. Just remember, he's got an ODI 100. Yeah. Yes. The only Pakistani to have that. Yes. He has raw power. He has the ability to win games from the top. Yeah.
I know talking to Hafiz, he wanted to bet slightly down the order for the team, but in my opinion, he should be somewhere up near the top. You know, have a right-left combination. Then you have Saïd Maïoub somewhere around there as well. A couple of really, really special players that can actually take a game away from a team. Yeah. Very, very so quickly. So top four, you want it top four to be loaded? Yeah, you want to instill fear, right, don't you, at top order? You want, yes, there's someone who can work the ball and, you know, will be difficult for other measures because they're hard to get out, but you want someone going, oh my gosh, he's going to come at me at a strike rate of 160 if I'm not careful. And do you feel like maybe that's lacking at the moment with the current opening partnership? Yeah, but I also think that you need your best players facing as many balls as possible. You know, you don't want your best players coming in and only having X amount of balls to go. The first game I played for Pakistan in 2006 as a T20 batter, my strike rate, because that was a requirement of that time. So you evolve yourself accordingly. Whatever situation and the game asks you to perform accordingly, you have to go accordingly. So I think someone has to understand you have to evolve according to the game. And no one's immune to that criticism. We know Virat Kohli has copped a lot of that recent times. He's innovated. He's really improved his strike rate personally. So it's a conversation that happens with openers all around the world about having to innovate as our game evolves and T20 cricket has evolved into an absolute beast. Even somebody like Rohit Sharma, who had to take a lot of heat from Indian fans in the initial years of his career when people used to call him Maggie Man, right? Because he would just come in for 2 minutes and he had that risk-taking ability. Because of that, he endured so much, but he had that backing, and now when he comes, you know, similar criticism you can talk about our captain, New Zealand captain Williamson, Kane Williamson, because he's also holds a lot of ball. He also gives himself a lot of time, which sometimes basically takes the game momentum away from the New Zealand team. So not only some of the players of subcontinent, Virat or Babar, are receiving that criticism. Kane must be, you know, going through with a lot of this thing. So if you can add something on it. He has been labelled as one of those players as well, but having watched him evolve as a player, he's also learned to pick up these new shots, you know, picked up the lap shot and things like that. He's actually brought in reverse sweepers and things as well, and he uses his natural timing and ability to also hit gaps everywhere else, playing conventional shots. I know he has worked on his power game. You know, it's not up there with some of the best, but he has worked on it, and obviously we have small boundaries back home in New Zealand, so it probably helps him out a little bit more. And I think moving forward in this tournament, he needs to start scoring some runs for New Zealand to start going forward, because he is the glue of that batting order. And when he's scoring runs, New Zealand tend to... And what number he bats? He bats three. Thank you. And plenty of conventional... And why did he want to improve? Why did he want to improve? He was such an accomplished batsman. Why does he want to grow the team? Exactly. That's what I'm going to... Why? That is the only question. मेरा ये मैं इसमें ऐड जरूर करूंगा. देखिए पाकिस्तान टीम वाइट टीम है जिसमें से नॉर्मल हम देखते हैं कि यहाँ से मिडिल ऑर्डर से ऊपर जा रहे होते हैं और ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं. ये आप किसको प्लीज कर रहे हैं? हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम दूसरे ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम ये बात कर रहे हैं कि फखर जमान ने आके वो शॉट खेला, तो वो उसका स्टाइल अब चेंज उसने कर लिया है. उसकी वजह ये कि वो अब वो क्या करे, वो जब आएंगे और आठ सात आठ और रह जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? इफ्तिखार की हम बात कर रहे हैं कि उसको बिठा दो, उसको खिला दो, उसको ये कर दो, वो उसने मैच हमने जीत के नहीं दिया. तो जब इफ्तिखार आएंगे और 10-12 बॉले खेलेंगे, वही जो हम यहाँ बात करते हैं, वो क्या कर सकते हैं यार? चले बाजूका हो जाता है ऐसा, लेकिन कभी तो उनको मौका दो कि वो भी फॉर्म में है. कभी तो फखर जमान को कहेंगे जी आप जाएं और आज अपना जो आपका गेम जो सिनेरियो आपके लिए सेट है उसको वो दे दें. इफ्तिखार के लिए भी कभी तो उसको 10-12 ओवर दे दें, कभी कभी दे दें, ताकि वो फॉर्म में तो रहे, ताकि वो उसकी फॉर्म तो लगी रहे. अगर इसी तरह वो 4-5-6 the break though, of course, building up to Pakistan taking on Canada, that's Manchester United.